नाम है सुभाष चंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? नारायण खेड़ा। आपके साथ कहाँ पे घटना हुई है और क्यों हुई है? हम सर वहाँ नवा खेड़ा निमंत्रण में गए थे और वहाँ हमारे ससुर टेंट लगा रखे थे और हमको देखा, वहाँ से हम खाना खाकर और वहाँ से निकले तो वो हमारे पीछे गाड़ी लगा लिए। जैसे शिवपुरा के पास इस पार थोड़ा पहुँचे जंगल के पास, वैसे एकदम से आकर हमारे आगे गाड़ी लगा दी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी को कच्ची में सड़क में उतार ले गया और फिर मुझे गाली देने लगे और जैसे हम चाकू लेकर दौड़ा था, हम भागने का प्रयास किए और उसने दौड़ कर हमारे पीठ पर चाकू मारा और फिर जब जोर से लगा तो हम पलटे जैसे, तो हमारे सीने पे चाकू पड़ा। दोबारा फिर मारे चाकू तो हम ऐसे हाथ कर लिए बचाव के लिए, तो हमारे हाथ के इस पार से इस पार चाकू निकल आया। अच्छा, तो जो चाकू तुम्हारे कहाँ कहाँ मारा है? चाकू हमारे यहाँ सीने पे लगा है, हाथ में लगा है। ये पार हो गया क्या चाकू यहाँ से? हाँ, पार इस पार से इस पार हो गया। ओहो, और पीछे मुड़िए इधर, आप वो दिखाइए कहाँ पे ये आप, और आप स्टेट मुड़िए इधर। तो अभी थाने में आपने तहरीर एफआईआर करवाया और तुम्हारे ससुर ने, आप बता रहे थे कि तुम्हारे ससुर ने धमकी वगैरह दिया है? हाँ, धमकी दिया है उसका, हमारे पास आईडियो भी है। आईडियो है उसकी? हाँ, आईडियो। तो आईडियो सुनाना जरा, क्या उसकी आईडियो है? मुझे अपन ना थोड़ी जगह नहीं तो फिर समझ लेगू, तुम्हारी गाड़ी पर गोली मारा बहुत अधिक है।